दिस इज विक्रम शाक्य और मैं आप सभी का मैथ मैजिशियन चैनल पर स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम लोग अभी तक अपनी जो सीरीज हमारी चल रही है डिटरमिनेंट चैप्टर की, उसमें डिटरमिनेंट की 3 एक्सरसाइजें कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज जो हमारी 4.4 है उसको कंप्लीट करेंगे। उससे पहले हम लोग पहले की तरह ये जानेंगे कि इस एक्सरसाइज में जो जो चीज़ें यूज होंगी या जो जो टॉपिक्स यूज होंगे उन टॉपिक्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो इस समय लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल अकाउंट प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज बेटा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आपकी बुक मैंने ओपन कर रखी है एनसीईआरटी और उसमें हेडिंग पड़ी हुई है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ठीक है, सबसे पहले जानकारी देते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के बारे में, क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो टोटली इन्हीं पर बेस्ड है, माइनर्स पर और कोफैक्टर्स पर। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन माइनर्स की। तो डेफिनेशन तो लिखी ही है आपकी बुक में, मैं इसे और एक्सप्लेन और कर दूंगा। डेफिनेशन ये है कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट ij ऑफ अ डिटरमिनेंट इज द डिटरमिनेंट ऑब्टेंड बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम इन विच एलिमेंट ij या aij लाइज। ठीक है, और माइनर ऑफ एलिमेंट aij इज डिनोटेड बाय mij। मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं कि आखिर इसमें जो बोला गया है वो है क्या। पहले मतलब समझाऊंगा फिर उस डेफिनेशन को पढ़ूंगा, देखना उसका सीधा मीनिंग वही निकलेगा। मैं अगर यहां पर कोई एक एग्जांपल ले लेता हूं, सबसे पहले मैं 2 ऑर्डर का एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि जो 19 है वो 3 ऑर्डर का है। पहले 2 ऑर्डर को देखते हैं, पहले इजी से समझते हैं फिर धीरे से कैलकुलेशन पर भी चलेंगे। कहा गया था आपसे, लिखा हुआ है कि फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट। तो जो माइनर्स हैं वो आपको और कोफैक्टर्स भी, पहले मैं माइनर्स पे बात करूंगा कोफैक्टर्स पर बाद में, जो ये डिटरमिनेंट लिखा है इसके सारे एलिमेंटों के आपको माइनर्स निकालने हैं। सपोज हम अगर जो हमारा पहला एलिमेंट है जो कि 1 है, पोजीशन आप जानते हैं ये किसकी होती है, ये पोजीशन होती है A11 की। इंट्रोडक्शन में आपको बहुत अच्छे से बताया गया है ये पोजीशन होती है A12 की, ये होती है पोजीशन A21 की नीचे वाली, और ये होती है A22 की। तो यहां पर हमें सारे के रिस्पेक्ट में माइनर्स निकालने हैं। सपोज हम A11 के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो डेफिनेशन आप देखिए क्या कही गई थी कि माइनर्स ऑफ एन एलिमेंट aij ऑफ द एलिमेंट ऑफ अ डिटरमिनेंट इज द डिटरमिनेंट ऑब्टेंड बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम। किसी भी रिस्पेक्ट में या किसी भी एलिमेंट के रिस्पेक्ट में हम माइनर निकाल रहे हैं तो जो उससे पास होने वाली रो है उसे आप डिलीट कर दीजिए और जो कॉलम है उसे आप डिलीट कर दीजिए, उसके बाद जो बचेगा वही उसका माइनर होगा, ये इसका मतलब है। और इसे हम जो रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं वो करते हैं mij से। जैसे यहां पर आप अच्छे से समझिए, A11 की अगर हम बात करें तो A11 की वैल्यू है 1, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि A11 की वैल्यू 1 है। A11 के रिस्पेक्ट में जो माइनर होगा उसे लिखा जाएगा M11, केवल सिंबल चेंज हो जाएगा, A की जगह M आ जाएगा। अगर 11 के रिस्पेक्ट में है तो 11 लिखेंगे, अगर किसी और एलिमेंट के रिस्पेक्ट में होगा तो उसे लिखेंगे। अब M11 का जो, यानी कि जो M11 है जो कि माइनर है विद रिस्पेक्ट टू A11, तो यहां लिखा है माइनर ऑफ A11 क्योंकि ये A11 का माइनर है, तो लिखा कैसे जाएगा, ये है A11। क्वेश्चन कहता है, जो डेफिनेशन कहती है वो ये कहती है कि अगर आप किसी एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं तो उससे पास होने वाला कॉलम, यानी कि कॉलम अगर हम बात करें तो 1, 4 जो ये पहला कॉलम बन रहा है इसको डिलीट कर दीजिए, और रो इससे जो पास होने वाली बनेगी वो बनेगी 1-2। तो 1 से 2 चीजें, यानी कि रो की बात करें तो ये पास हो रही है और कॉलम की बात करें तो ये पास हो रही है। अगर हम इन दोनों को डिलीट कर दें तो कौन बचेगा, 3, वही इसका क्या है आंसर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि A11 का माइनर बताओ तो A11 का माइनर 3 होगा, क्योंकि किसी भी एलिमेंट का जब आपको माइनर निकालना होता है तो आप उस एलिमेंट से पास होने वाली रो और कॉलम दोनों को डिलीट कर देते हैं, उसके बाद जो बचता है वही आपका माइनर होता है। ठीक है,
ऐसे ही अगर हम देखें, ये तो A11 के रिस्पेक्ट में हुआ, फिर उसने A12 के रिस्पेक्ट में निकाला, तो A12 ये रहा, 12 मतलब हमारा एलिमेंट हो गया -2, तो उसने लिखा कि M12 यानी कि माइनर ऑफ द एलिमेंट A12, तो A12 हो गया -2। प्रोसेस वही रहेगा, पास होने वाला कॉलम, कॉलम आप डिलीट कर दीजिए और रो डिलीट कर दीजिए, रो और कॉलम दोनों डिलीट कर देंगे तो बचेगा 4, वो ये रहा। ठीक है, ऐसे ही 2-1, अगर आप 2-1 को देखेंगे तो ये रहा आपका 2-1, 2-1 से पास होने वाला कॉलम और पास होने वाली रो दोनों डिलीट कर दीजिए, कितना बच जाएगा -2। और एक है आपका 2-2, वो नेक्स्ट पेज पे है, मैं यही समझा दे रहा हूँ। 2-2 की अगर बात करें तो इससे पास होने वाली रो और कॉलम दोनों छुपा लीजिए, कितना बचेगा 1। ठीक, बहुत इजी है, किसी भी आप डिटर्मिनेंट का माइनर निकाल सकते हैं, जितने भी एलिमेंट है सबके रिस्पेक्ट में माइनर निकलता है, जिस भी एलिमेंट के रिस्पेक्ट का आप माइनर निकालना चाहते हैं उससे पास होने वाली रो और उससे पास होने वाला कॉलम दोनों आप डिलीट कर दीजिए या स्किप कर दीजिए, आपको जो बाकी बच जाएगा वही उसका माइनर होगा। अब तीन ऑर्डर का भी एक देख लेते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर कहा गया है फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6 इन द डिटर्मिनेंट, जो 6 एलिमेंट है उसका माइनर निकालना है, 6 ये रहा। अगर मैं इसकी पोजीशन देखूं तो ये दूसरी रो में है और तीसरे कॉलम में है, तो ये पोजीशन हो जाती है A23। तो देखिए वही उसने लिखा है कि जो A6 के रिस्पेक्ट में जो माइनर निकलेगा वो होगा M23, क्योंकि माइनर को हम M23 से रिप्रेजेंट करते हैं, पोजीशन ये A23 की है लेकिन माइनर M से रिप्रेजेंट होता है, तो इसलिए M23 दूसरी रो तीसरा कॉलम। प्रोसेस वही रहेगा, थोड़ा सा चेंज आएगा। प्रोसेस की बात करें तो इससे पास होने वाली रो जो कि 4 5 6 है और कॉलम 3 6 9, अगर इन दोनों को स्किप कर दें तो बाकी बचता है 1 2 7 8, तो 1 2 7 8। अभी दो ऑर्डर में क्या हो रहा था कि जब हम छुपा रहे थे तो एग्जैक्ट एक एलिमेंट मिल रहा था, तो हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ रही थी। इस बार क्या हो रहा है कि रो और कॉलम को छुपाने के बाद भी एक छोटा डिटर्मिनेंट आपका बन जा रहा है, छोटा डिटर्मिनेंट बन जा रहा है, तो बस आप इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर दीजिए। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आपने खूब सीखा है, क्योंकि हमारी तीसरी एक्सरसाइज या चौथी एक्सरसाइज के बारे में हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, तीन तो कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसे अगर सॉल्व करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वही 8 और -14 कितना आ जाएगा -6। तो तीन वाले में सिर्फ इतना करना पड़ता है, इसमें सिर्फ 6 के ही रिस्पेक्ट में पूछा गया था, क्योंकि उसने कहा था 6 का ही माइनर निकालिए, तो हमने केवल 6 का निकाला। अगर वो सभी एलिमेंटों का पूछता तो सभी एलिमेंटों का हम उसी तरीके से सॉल्व करते हैं, उसी तरीके से हम उसका आउटर निकालते हैं। एक चीज और बेटा, यहां पर एक रिमार्क करके एक चीज लिखी गई है, उसे मैं समझा दूं। मेरा मोटिव यही रहता है कि जो भी बुक में है वो कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। तो अगर हम यहां बात करें तो यहां लिखा है माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर एन, अगर किसी डिटर्मिनेंट का ऑर्डर एन है जो कि 2 या 2 से ज्यादा का हो, इज एन डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर एन -1। ध्यान से समझना इस एग्जाम्पल पर, ये डिटर्मिनेंट जो है वो कितने ऑर्डर का था, ये था 3 ऑर्डर का, क्योंकि ये 3 क्रॉस 3 है तो इसे हम 3 ऑर्डर का बोलेंगे। अगर हम इसके किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालें तो माइनर का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो, जैसे हमने अभी 6 का ही निकाला था, तो 6 का जो डिटर्मिनेंट आया था या 6 के रिस्पेक्ट में जो डिटर्मिनेंट आया था वो कितने का था, 2 ऑर्डर का। यहां से एक बात क्लियर हो जाती है कि अगर आपका मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का तो उसके जो माइनर्स निकलेंगे वो 2 ऑर्डर्स के होंगे, हर एलिमेंट का जो माइनर निकलेगा वो 2 ऑर्डर का होगा। ये थ्योरम या ये रिमार्क यही कह रहा है, माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट, कोई भी डिटर्मिनेंट है उसके किसी भी एलिमेंट का जो माइनर होगा वो इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर एन -1। वो एक डिटर्मिनेंट होगा लेकिन उसका ऑर्डर जो होगा वो एन -1 होगा, यानी कि सेम वही चीज, अगर इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 3 है तो इस माइनर का ऑर्डर कितना है, 2, उससे एक कम होगा। ओके है, तो ये यहां पर रिमार्क में लिखा गया है। और जो डिटर्मिनेंट का ऑर्डर होना चाहिए वो या तो 2 होना चाहिए या फिर 2 से ज्यादा, जैसे 3 पे तो ये हो ही गया। अब आप 2 पे देखो, ये 2 वाला था, इसका ऑर्डर 2 था, लेकिन जब हमने माइनर निकाल रहे थे तो डायरेक्ट एक सिंगल एलिमेंट आ रहा था, और सिंगल एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो होता है 1, क्योंकि उसमें रो भी 1 होती है और कॉलम भी 1 होता है, तो ऑर्डर मैट्रिक्स का सॉरी डिटर्मिनेंट का जो ऑर्डर था वो 2 था लेकिन माइनर का ऑर्डर कितना आया, 1, 2 से 1 कम। तो इससे उसने एक जनरल थ्योरम बना दी कि अगर डिटर्मिनेंट का ऑर्डर एन है तो माइनर का ऑर्डर जो होगा उसके हर एक एलिमेंट के माइनर का जो ऑर्डर होगा वो एन -1 होगा। तो आई होप माइनर के बारे में आप समझ गए होंगे कैसे निकालते हैं और एक उसके बारे में थ्योरम। अब बात करते हैं कोफैक्टर्स की, यहां पर ही डेफिनेशन 2 लिखी है जो कोफैक्टर्स के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 20 में या एग्जाम्पल 20 में कोफैक्टर्स भी पूछे गए हैं, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट पेज पे अभी करेंगे। तो पहले कोफैक्टर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो कोफैक्टर्स में कहा गया है कि जो कोफैक्टर्स रिप्रेजेंट होते हैं वो AIJ, कैपिटल AIJ से,
तो याद रखिए यहां तीन सिंबल हो गए, एक स्मॉल ए आई जे हो गया वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, एक कैपिटल ए आई जे हो गया जो कोफैक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, और एक एम आई जे जो माइनर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जो कोफैक्टर्स हैं वो ए आई जे से रिप्रेजेंट होते हैं। निकलते कैसे हैं, -1 की पावर आई जे यहां लिखा है, तो आई प्लस जे जो भी यहां पर लिखा है वो आप पावर पर ऐड कर दीजिए, और उसके रिस्पेक्ट में जो आपने माइनर निकाला था यानी कि एम आई जे वो मल्टीप्लाई कर दीजिए, वहां से आपको कोफैक्टर मिल जाएगा। इस चीज को मैं इस न्यूमेरिकल पर अच्छे से अप्लाई करके दिखाता हूं। जैसे कि माइनर्स किसी भी डिटर्मिनेंट के हर एक एलिमेंट के होते हैं, वैसे ही कोफैक्टर्स भी किसी भी डिटर्मिनेंट के हर एक एलिमेंट के होते हैं। जैसे हम A11 के रिस्पेक्ट में कोफैक्टर निकालने के बारे में सोचें कि A11 का कोफैक्टर क्या होगा, तो आइए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं A11 का कोफैक्टर। A11 फॉर्मूला क्या है, आपके सामने यहां पर फॉर्मूला दिया गया था कि -1 की पावर जो भी आप यहां लिखते हो वो प्लस कर दीजिए, जैसे 1 1 लिखा है तो 1 प्लस 1। आप देख लीजिए यहां पर डेफिनेशन, उसने क्या कहा था कि -1 की पावर आई प्लस जे, क्योंकि यहां आई जे था तो वहां पर 1 1 है, मतलब आई की भी वैल्यू 1 है और जे की भी 1 है, दोनों को पुट कर दीजिए तो 1 प्लस 1 हो गया। और फिर उसके रिस्पेक्ट में जो आपने माइनर निकाला है, माइनर यहां रख दीजिए, तो A11 के रिस्पेक्ट में माइनर M11 होगा। तो अगर हम A11 के रिस्पेक्ट में देखें तो हमारा जो माइनर होगा वो कितना होगा, M11। तो देख लीजिए सीरीज बन जाती है A11 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 प्लस 1, तो वही आई प्लस जे और फिर M11 रख दिया, तो -1 की पावर 1 प्लस 1 तो स्क्वायर हो गया, और M11 हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला है कि M11 जो है वो है 3, ये रहा M11 तो वो 3 है, तो बस आप यहां पर वैल्यू डाल के पुट कर दीजिए तो 3 हो गया। सेम ऐसे ही A12, तो -1 की पावर 1 प्लस 2 और फिर माइनर रख दीजिए, ऐसे ही A21 -1 की पावर 2 प्लस 1 फिर माइनर रख दीजिए, और A22 फिर से वही फॉर्मूला। तो माइनर और कोफैक्टर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, माइनर और कोफैक्टर, अगर आपको कोफैक्टर निकालना है तो पहले माइनर निकालना पड़ेगा और फिर माइनर निकालने के बाद आप कोफैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट हो जाता है, बहुत ईजी है और आप आराम से इसे कर पाएंगे। चलिए आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ी जानकारी और आगे लेते हैं। तो मैं आगे कुछ आपको यहां पर एग्जाम्पल दे के समझाने की कोशिश करूंगा, तो आप देखिए यहां पर मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया ए इज इक्वल्स टू, सबसे पहले एक 2 ऑर्डर का एग्जाम्पल लेंगे और फिर एक 3 ऑर्डर का, और जो मैं यहां पर समझाना चाह रहा हूं उसे आप अच्छे से समझने की कोशिश करना। मैंने एक 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लिया, सपोज 2 4, कुछ भी आपका जो मन करे आप कोई भी एंट्री कर सकते हैं, और मैं कहता हूं कि इसका जो A11 के रिस्पेक्ट में जो माइनर होगा, जैसे अगर हम इसके माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालना चाहते हैं किसी भी एक रो या किसी एक कॉलम के अलोंग, माइनर्स से पहले भी हम कोफैक्टर निकालना चाहते हैं। अगर आप यहां देखो, अगर हम A11 के रिस्पेक्ट में माइनर निकालें, माइनर A11 के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या होगा, तो वो होगा M11। तो हम यहां पर शॉर्ट में दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि A11 के रिस्पेक्ट में सबसे पहले मैं माइनर निकाल रहा हूं, तो माइनर मैं ऊपर लिख दूंगा, ये हो जाएगा M11, शॉर्ट में लिख रहा हूं ताकि हमारा टाइम बच सके। तो A11 ये एलिमेंट है, इससे जाने वाला कॉलम, इससे जाने वाली रो, दो को स्किप करिए तो कितना बचेगा, 7। और अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में इसका कोफैक्टर निकालूं तो वो कितना होगा, A11 कैपिटल। फॉर्मूला क्या होता है, -1 की पावर जो भी यहां लिखा होता है 1 प्लस 1 और फिर जो आपका M11 होता है, तो -1 की पावर 1 प्लस 1 यानी कि 2 हो जाएगा, और M11 की वैल्यू 7 है तो 7 ही रह जाएगा। ऐसे ही A11 कर लिया, अब मैं या तो कॉलम के दोनों एलिमेंट ले लूं या रो के, जो आपको मन करे। सपोज हम कॉलम का दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं जो कि है हमारा A21, तो इसके भी रिस्पेक्ट में आप क्या करिए, दोनों निकाल दीजिए, एक तो M21 निकाल दीजिए और एक निकाल दीजिए A21। सबसे पहले बात करते हैं M21 पर, क्योंकि M21 निकालेंगे तभी A21 निकलेगा। तो M21 यानी कि ये, इससे जाने वाली रो, इससे जाने वाला कॉलम, दोनों स्किप कर लीजिए तो 4 बच जाएगा। यहां पर अगर हम A21 निकालते हैं तो आप क्या करिए, -1 की पावर 2 प्लस 1 और 2 प्लस 1 के बाद यहां पर क्या आ जाएगा, M21, तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, यानी कि एक एक्स्ट्रा नेगेटिव आ जाएगा, तो जो 4 है वो कितना हो जाएगा, -4, ठीक है। फिर मैं आपसे कहता हूं यहां पर सोचने वाली चीज कि वैल्यू फाइंड आउट करिए A11 स्मॉल, फिर कैपिटल A11 प्लस A21 स्मॉल और फिर कैपिटल A21। आइए देखें, कैलकुलेट करके देखते हैं थोड़ा। A11 स्मॉल A11 की वैल्यू है 2, तो 2 इंटू कैपिटल A11 की वैल्यू, ये अभी हमने निकाली है 7, प्लस
स्मॉल a21, a21 की वैल्यू है स्मॉल में 5, यहां देख लीजिए, और मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल a21 जो कि हमने अभी लास्ट में निकाली है -4। इसे कैलकुलेट करते हैं, 7 2 14, ये 5 4 -20, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा -6। आगे वैल्यू, ये वैल्यू है आपकी a11 स्मॉल में, फिर कैपिटल में, ऐसे ही a21 स्मॉल में और फिर कैपिटल में। अब एक चीज और कहता हूं मैं कि जो आपको ये डिटर्मिनेंट दे रखा था, ये वाला, इसके डिटर्मिनेंट को आप डायरेक्टली ओपन कर दीजिए जो आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में ओपन करना सीखा है। तो देखिए 7 2 14 -5 4 20, ये कितना आया, ये भी आया -6। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा जो मैं इतना एक्सप्लेन मैंने जो किया है। इसका कंक्लूजन क्या है, आप इस टर्म की वैल्यू देखो और इस टर्म की वैल्यू देखो, दोनों वैल्यूज बराबर है। यहां से एक चीज पता लगती है या एक थ्योरम ड्राइव होती है कि अगर आपके सामने कोई भी डिटर्मिनेंट दे रखा है, आप उसके किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम के अलोंग एलिमेंट और को फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है उनका सम करिए, तो वो उस डिटर्मिनेंट को जो हम ओपन करते हैं या उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आती है ओपन करने के बाद, उसके इक्वल आ जाता है। ठीक है, अगर यहीं पर तीन ऑर्डर का मैं कोई एक डिटर्मिनेंट ले लूं कि तीन ऑर्डर में कैसे काम करेगा, तो तीन ऑर्डर का एलिमेंट ऐसे होगा a11 a12 a13 a21 a22 a23, ऐसे ही a31 a32 और a33। न्यूमेरिकल मैंने नहीं लिया क्योंकि टाइम लगेगा उसमें, जो थ्योरम वैसे समझ में आएगी वो वैसे भी आएगी। अब आपको क्या करना है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको ओपन करके पता करनी है। एक तरीका तो ये कि आप इसे ओपन करिए, अगर मैं इसी थ्योरम के हिसाब से देखूं, मतलब को फैक्टर्स के टर्म्स में देखूं कि इसकी वैल्यू मैं कैसे पता कर सकता हूं, तो मैं कोई भी एक रो चूज कर लेता हूं। जैसे मैंने पहली एक रो पिछली बार कॉलम पे लगाया था, इस बार मैं रो पे लगा दे रहा हूं। कोई भी मैंने एक रो चूज कर ली, जैसे पहली रो, तो उसका पहला एलिमेंट हो गया a11, इसके रिस्पेक्ट में को फैक्टर कितना होगा कैपिटल a11, फिर प्लस उसका दूसरा एलिमेंट a12, तो इसके रिस्पेक्ट में को फैक्टर भी कितना होगा a12, प्लस तीसरा एलिमेंट a13, इसके रिस्पेक्ट में को फैक्टर कितना होगा कैपिटल a13। इसकी वैल्यू मैं कैलकुलेट कर दूं तो इसकी वैल्यू जो कैलकुलेट होके आएगी वही वैल्यू इस डिटर्मिनेंट की होगी जब हम इसे ओपन करेंगे, अगर ये न्यूमेरिकल डाटा में होता तो। सेम वही चीज, यहां पे टू ऑर्डर का था, हमने इसको ओपन किया तो -6 आया, और फिर हमने एक इसे दूसरे तरीके से इसकी वैल्यू निकाली अलोंग द फर्स्ट कॉलम, इसमें कॉलम मैंने प्रेफर किया था, इसमें रो, तो जो चीज रो पे लगती है वही कॉलम पे भी। इसमें मैंने क्या किया, पहले कॉलम को फिक्स किया, पहले कॉलम के रिस्पेक्ट में हमारा क्या था, यहां पर ये a11 था, तो a11 इसके रिस्पेक्ट में आपका को फैक्टर कैपिटल a11, फिर हमने एक दूसरा कॉलम यानी कि कॉलम का दूसरा एलिमेंट उठाया जो कि है a21, तो a21 और उसके रिस्पेक्ट में उसका को फैक्टर, दोनों की वैल्यू निकाली, ये भी कितना आया -6। यानी कि इस तरीके से अगर हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू एलिबरेट करें तो भी इतनी आती है जितनी की डायरेक्ट ओपन करने के बाद आती है। तो ये एक तरीके की थ्योरम बन जाती है। ये थ्योरम क्या है, अब आपको बुक में दिखाता हूं कि कहां पर ये थ्योरम आपको दे रखी है। यहां पर देखिए, यहां पर क्या कहा गया है, यहां पर हम क्या कर रहे थे, रिमार्क करके आपको दिया गया है, एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट डेल्टा इन एग्जाम्पल, वो तो अलग बात है, एग्जाम्पल यहां दिया गया है, अगर आप किसी डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं अलोंग R1 किसी भी रो या किसी भी एक कॉलम, यहां पर रो पे किया गया है, आप कॉलम के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, लास्ट में वो क्या आया, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ R1 विद देयर करस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स। याद देखिए अच्छे से, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द एलिमेंट यानी कि एलिमेंट एंड देयर करस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स, और जो को फैक्टर्स हैं उनके प्रोडक्ट के सम के, सेम वही चीज तो है ये, ये था एलिमेंट, ये था उसका को फैक्टर, ये था एलिमेंट, ये इसका को फैक्टर, ये एलिमेंट और ये इसका को फैक्टर, इन दोनों के प्रोडक्ट के सम के इक्वल आता है उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आगे काम आएगी हमारे। तो ये हमारी एक थ्योरम बनती है। यहीं पर एक और नोट करके लिखा गया है, इसे भी अच्छे से समझिए, इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम, वही चीज रो और कॉलम दोनों आप ले सकते हैं, आर मल्टीप्लाइड विद को फैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो एंड कॉलम देन देयर सम इज जीरो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अच्छे से यहां समझाता हूं, यहां पर क्या था, जो हमने एलिमेंट लिया था को फैक्टर भी उसी का लिया था, ऐसे जो एलिमेंट वही को फैक्टर, जो एलिमेंट वही को फैक्टर। अब यहां पर यह हो जाता कि मैं एलिमेंट तो रखता 1 1 और को फैक्टर यहां कोई और कर देता, a11 के अलावा कुछ भी, सपोज हमने कोई भी एक को फैक्टर कर दिया, सपोज 1 2 या 2 1, जो भी आपको लगे। फिर यहां पर मैंने एलिमेंट जैसे यहां रखा 1 2, यहां पर कोई अलग कर दिया सपोज 2 1, और यहां पर 1 3 है, तो यहां पर मैंने को फैक्टर कुछ अलग कर दिया,
जो मन करे, सपोज मैंने यहां पर 2, 3 कर दिया, तो उस केस में इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। यानी कि एलिमेंट जिस रो और कॉलम का है, अगर को फैक्टर उससे डिफरेंट है तो अगर हम सम करेंगे तो वैल्यू 0 आएगी, और अगर जो एलिमेंट का रो और कॉलम है और वही को फैक्टर का भी रो और कॉलम है फिर हम सम करते हैं तो उसकी वैल्यू उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू के इक्वल आती है। ठीक है, तो हम इस वैल्यू को इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू के इक्वल कह सकते हैं, जबकि इस वैल्यू को 0 के इक्वल। थोड़ा सा अंतर है यहां पर, आप देखिए एलिमेंट और को फैक्टर्स अलग अलग हैं, जबकि यहां पर एलिमेंट और को फैक्टर्स सेम है। सेम होंगे तो वैल्यू डिटर्मिनेंट के इक्वल होगी, और अलग अलग कुछ भी होंगे बस डिफरेंट होने चाहिए, तो उस केस में सम इनका 0 होगा। यहां पर यही चीज समझाई गई है, अब मैं इस स्टेटमेंट को पढ़ता हूं आपको अच्छे से समझ में आएगा। इफ एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम, किसी भी रो और कॉलम का जो एलिमेंट है, आर मल्टीप्लाइड विद को फैक्टर्स, वो को फैक्टर से मल्टीप्लाई हो बट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम, वो को फैक्टर किसी दूसरे रो या कॉलम का होना चाहिए, देन देयर सम इज 0, तो उसका सम जो होगा वो 0 होगा। यहां पर आपको प्रूफ करके भी दिखाया गया है कि यहां पर उन्होंने ऐसे ही एक केस लिया कि A11, यहां पर A11 ना लेके A21 कर दिया, यहां पर भी अलग कर दिया, 1 2 की जगह 2 2 कर दिया, यहां पर 1 3 की जगह 2 3 कर दिया, और इस पूरे को ओपन किया, तो ओपन करने के बाद वैल्यू कितनी आई है? 0। प्रूविंग हमारे लिए उतनी खासी इंपॉर्टेंट नहीं है, और अगर आप समझना चाहेंगे तो इतना टफ भी नहीं है, आप आराम से समझ सकते हैं। तो हमारे पास दो थ्योरम हुए, अगर एलिमेंट और जो को फैक्टर है वो दोनों सेम रो या कॉलम को लाई करता है तो उसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट की वैल्यू के इक्वल होगी, और अगर वो डिफरेंट लाई करता है तो उसकी वैल्यू 0 होगी। तो ये हमारे पास कुछ थ्योरम्स थी। अब चलते हैं हम अपने एक्सरसाइज की तरफ, जो हमारी एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज बहुत इजी है, ज्यादा टाइम नहीं लगाएगी और बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप यहां देखें तो हमारी एक्सरसाइज है 4.4, राइट माइनस एंड को फैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। आपको कुछ डिटर्मिनेंट्स दे रखे हैं, उनके माइनर्स और को फैक्टर्स दोनों निकालने हैं। अभी हमने जस्ट किए हैं, जैसे अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो हम इसका माइनर निकालेंगे चारों के रिस्पेक्ट में, मतलब M11, M12, M21 और M22। उसके बाद जब M आ जाएंगे तो फिर को फैक्टर मतलब A निकालेंगे, कैपिटल A जो होता है वो कैपिटल A निकालेंगे। अगर आप देखना चाहें तो मैंने सॉल्व भी किया है, वैसे इतनी कोई जरूरत नहीं थी इसको सॉल्व करने की, बस मैंने थोड़ा किया है ताकि अगर किसी के मन में भी डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। जो हमने एक एग्जाम्पल लिया है एक्सरसाइज 4.4, पहला जो क्वेश्चन था वो मैंने लिया, तो वही सबसे पहले मैंने M11 निकाला। तो M11 जो होता है वो माइनर ऑफ A11 होता है, मतलब इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में, तो इससे जाने वाला कॉलम, इससे जाने वाली रो दोनों छुपा लीजिए तो कितना बच गया? 3। ऐसे यहां पर 1 2, तो 1 2 जो होता है वो माइनर ऑफ A12, यानी कि A12 के रिस्पेक्ट का माइनर होता है, तो इससे जाने वाला कॉलम रो तो कितना बच गया? 0। ऐसे ही M21 और ऐसे ही M22, ये सारे माइनर्स हो गए। माइनर्स के बाद आप को फैक्टर्स निकालिए जो कि कैपिटल A होगा, तो फॉर्मूले में सिर्फ इतना चेंज आएगा कि -1 की पावर 1+1 हो जाएगा, अगर 1 2 है तो -1 की पावर 1+2 हो जाएगा, और ऐसे सिंबल जो भी चेंज हो रहे हैं वो चेंज कर दीजिए, बाकी वैसा ही लिख दीजिए। तो देखिए सिंपल हो गया माइनस और कोफैक्टर्स। ऐसे ही अगर हम देखें तो हमारे दोनों जो पहले क्वेश्चन है वो सेम ऐसे ही हैं। पहले पार्ट में दोनों जो मैट्रिसेस दिए, सॉरी डिटरमिनेंट जो दिए गए हैं वो 2 ऑर्डर्स के हैं, और दूसरे क्वेश्चन में जो डिटरमिनेंट दिए गए हैं वो 3 ऑर्डर के हैं। 3 ऑर्डर का भी मैंने आपको एग्जांपल में समझाया है। 3 ऑर्डर में बस ये हो जाएगा, सारे एलिमेंटों के रिस्पेक्ट में निकलेगा, जैसे इसके रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हो 1 1 के, तो इससे जाने वाला कॉलम, इससे जाने वाला रो छुपा दीजिए, ये 2 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट बनेगा, इसे ओपन कर देना वो माइनर आ जाएगा। को फैक्टर निकालने के लिए वही -1 की पावर जितनी भी आपको करनी है वो आप कर सकते हैं। ऐसे ही फिर 0 के रिस्पेक्ट में निकलेगा, तो 0 से जाने वाला कॉलम, 0 से जाने वाले रो दोनों आप स्किप कर दीजिए, जितने बचेंगे उनको आप ओपन कर दीजिए, निकल जाएगा। तो यहां पर जहां पर 4 वैल्यूज निकल रही थी क्योंकि 4 एलिमेंट थे, यहां पर हमारे पास 9 एलिमेंट है, तो 9 एलिमेंटों के रिस्पेक्ट में पहले माइनर्स निकलेंगे सारे के सारे, और फिर को फैक्टर्स निकलेंगे। ठीक है, सेम इसमें भी। अगर कोई डाउट हो तो मैं यहां पर एक एग्जाम्पल दिया गया, सॉरी क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3, तो आपको इससे समझ में आ जाएगा। यूजिंग को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेकेंड रो इवेल्युएट, सेकेंड रो के को फैक्टर्स आपको यूज करने हैं, सेकेंड रो, तो सेकेंड रो ये हो गई 201। तो यहां पर हमें सारे एलिमेंटों के कोफैक्टर्स नहीं निकालने हैं, केवल सेकेंड रो के निकालने हैं। ठीक है, तो सेकेंड रो के निकालने, यहां पर ये था कि यहां पर सभी के निकालने थे, तो यहां पर सेकेंड रो मतलब 3 एलिमेंटों के मैं निकालूंगा, कॉन्सेप्ट जो होगा वही इसका भी होगा, बस यहां पर 3 के निकलेंगे, यहां पर 9 के निकलेंगे। इस क्वेश्चन में यह कहा गया है कि हमें को फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट यूज करना है और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, और सेकेंड रो पर हमें को फैक्टर्स निकालने हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट और उसके जो को फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके सम कर दीजिए तो उस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल जाती है। तो अगर हमें सेकेंड रो
जो हमें दे रखी है, इसके रिस्पेक्ट में हमें या इसके को फैक्टर्स की हेल्प से इसको इवेल्युएट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सेकेंड रो यानी कि सेकेंड रो का एलिमेंट A21, तो यहां पे कैपिटल A21 आएगा, फिर A22, फिर कैपिटल A22, और फिर प्लस करेंगे हम A23 और फिर कैपिटल A23। तो दूसरी रो के तीनों एलिमेंट हो गए और उनके रिस्पेक्ट के सारे को फैक्टर भी हो गए। तो जब को फैक्टर इस सब की वैल्यू हम निकाल देंगे तो हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी, क्योंकि यहां पर जो एलिमेंट का ऑर्डर है या जो एलिमेंट पे लिखा है 2-1, वैसे ही को फैक्टर्स पे भी 2-1 ही है, सेम सेम है। तो सेम सेम जब होता है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है, और अगर डिफरेंट होता है तो फिर जीरो हो जाता है। तो हमें यही काम करना है। तो मैंने वही काम किया, डिटरमिनेंट उठाया, उसकी सेकेंड रो को मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि मुझे इसके को फैक्टर्स निकालने हैं। तो अगर मुझे A21 चाहिए तो A21 इस बार मैंने माइनर निकाला नहीं है, यहां पर पहले से ही इसी में डायरेक्ट थोड़ा किया है। तो A21 फॉर्मूला क्या होगा, -1 की पावर 2+1, और फिर इसके रिस्पेक्ट में जो भी माइनर आएगा वो मैंने अभी ऐसा ही लिख रखा है, फिर माइनर निकाल लेंगे। तो A21 यानी कि पहला एलिमेंट, इससे जाने वाली रो, इससे जाने वाला कॉलम स्किप कर लिया, तो कितना बता 3823, तो 3823, और यहां -1 की पावर 2+1 यानी कि 3 थी, तो इसलिए एक एक्स्ट्रा नेगेटिव आ गया। इसको ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद हमें 7 मिल गया A21। फिर ऐसे ही हमने क्या किया, A22 निकाला, A22 जो कि जीरो के रिस्पेक्ट में निकलेगा, तो यहां पर जीरो से जाने वाला कॉलम, जीरो से जाने वाली रो, दोनों स्किप कर लीजिए। दोनों स्किप करने के बाद बच जाएगा 5813, तो 5813, और वो 2+2 पॉजिटिव हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, यहां पे हम ओपन करेंगे 5315 -8 7, और ऐसे ही हमने 23 निकाल लिया। फिर हम वही करेंगे, A21 कैपिटल A21 A22 कैपिटल A22 और A23 कैपिटल A23, इसकी वैल्यू निकाल देंगे, जो इसकी वैल्यू होगी वही इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी होगी, क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ी है। तो हम किसी भी रो के एलिमेंट और उसके करस्पॉन्डिंग जो उसके को फैक्टर्स हैं, या किसी भी कॉलम के एलिमेंट और उसके करस्पॉन्डिंग जो को फैक्टर्स हैं, अगर हम उनका प्रोडक्ट करके सम करते हैं तो वही डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है टोटल। उस थ्योरम पर ही बेस्ड ये क्वेश्चन था। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यही था, यूजिंग को फैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द थर्ड कॉलम। इस बार कॉलम के को फैक्टर्स यूज करने हैं, तो कोई बात नहीं, थर्ड कॉलम मतलब ये वाला YZ ZX और XY, इसके रिस्पेक्ट में आपको खोलना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, थर्ड कॉलम के जो एलिमेंट है उनके सबसे पहले को फैक्टर निकालेंगे। तो थर्ड कॉलम का जो पहला एलिमेंट है वो है 13, तो A13 पहले निकलेगा कैपिटल, और फिर ऐसे ही ये है 23, तो ये कैपिटल A23 भी आपको निकालना पड़ेगा यानी कि को फैक्टर, और फिर यहां पर 33, तो आपको कैपिटल A33 भी निकालना पड़ेगा, और फिर उनके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट करके आप सम कर देना, वही इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। तो वो आप कर पाएंगे क्योंकि थर्ड मैंने करा दिया है, सेम वैसा ही है, बस इसमें XYZ है, तो कोई बात नहीं, XYZ की कैलकुलेशन होगी। और हमारा लास्ट जो कि ऑब्जेक्टिव है, इफ आपको एक डिटरमिनेंट दिया गया है एंड AIJ इज को फैक्टर्स ऑफ AIJ स्मॉल AIJ देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा, यानी कि इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। आइए देखें, यहां पर उसने रखा A11 और जो कैपिटल रखा है वो 11 नहीं रखा है, वो रखा है 31। जब डिफरेंट होता है तो वो डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं होती, उसकी वैल्यू सीधी जीरो होती है, तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू तो नहीं हो सकती है। दूसरे पे आते हैं, A11 यहां कैपिटल AB11 है, A12 यहां कर दिया इसने 21, 12 की जगह 21 कर दिया, मतलब ऑर्डर चेंज कर दिया। अगर ऑर्डर चेंज कर दिया तो फिर से ये डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं होगी। यहां आते हैं थर्ड पर, A21 यहां पर A11, यहां देखिए 21 है, यहां 11 है, सेम नहीं है, इसका मतलब ये भी डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं है। यहां आइए डी पर, स्मॉल A11 कैपिटल A11, स्मॉल A21 कैपिटल A21, स्मॉल 31 और कैपिटल 31, क्लियर है, बिल्कुल सेम। जब सेम सेम होता है तो वो डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है, इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन सही है वो है डी ऑप्शन। ठीक है, तो बहुत ही इजी थी, बस यही एक थ्योरम है इसमें कि हम किसी डिटरमिनेंट को अगर ओपन करना चाहें या किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना चाहें तो वो उस डिटरमिनेंट के किसी एक रो या कॉलम के एलिमेंट और उसके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स के प्रोडक्ट के सम के इक्वल होती है, एक सिंपल सी थ्योरम है। तो ये थ्योरम आपको याद रखनी है, बाकी माइनर्स और को फैक्टर्स निकालना बहुत बड़ा काम नहीं है या बहुत टफ काम नहीं है, आप आराम से कर पाएंगे। तो हम एक्सरसाइज को यहीं फिनिश करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही आपकी आपको नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपकी हेल्प कर पाऊं और आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर पाएं। चलिए इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो हम वीडियो लाएंगे या जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे जो कि हमारी एक्सरसाइज 4.5 होगी। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर रोकते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।